नाउ हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एनसीईआरटी बुक से है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी के जो किराया है वह पहले फर्स्ट किलोमीटर का कितना है, 15 रुपीज़ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट सपोज कि हमको यहाँ से कहीं जाना है, तो हमने टैक्सी से गया कितना किलोमीटर, पहला फर्स्ट किलोमीटर, तो हमको रुपये देना कितना पड़ गया, 15 रुपीज़। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया कि आगे फिर गया 2 किलोमीटर, तो फिर उसके लिए क्या कहता है कि एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के बाद आप जितना आगे जाओगे पर किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि 15 रुपया ये हो गया। जैसे जाएंगे 2 किलोमीटर तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 23 रुपीज़ हमको देना पड़ जाएगा। अगर हम जाएंगे 3 किलोमीटर राइट, तो क्या हो जाएगा, 23 और क्या है 8, यानी कि हमको 31 रुपीज़ देना पड़ जाएगा। तो ये हो गया, इसको बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे सोलूशन, लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, तो 15 रुपीज़ है। सेकेंड किलोमीटर का कितना हो गया, सेकेंड किलो यानी कि 2 किलोमीटर का, तो 15 और प्लस क्या हो जाएगा 8, 15 प्लस 8 यानी कि क्या होगा, 23 रुपीज़ हो जाएगा। अगर हम जाएंगे 3 किलोमीटर तो उसके लिए कितना हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस 2 × 8 इजकल टू क्या होगा, ये हो गया 16, ये है 15, कितना होगा 31, हाँ 31 हो गया। तो ये यहाँ पे अब देख लिया, अब क्या ये एपी में है कि नहीं, हाँ बिल्कुल एपी में है। क्या देख रहा है, ये है 15 23 31। इसका जो प्रत्येक टर्म है ना वो क्या है, अपने पिछले वाले टर्म से कितना अधिक है, 8 अधिक है, कितना अधिक है 8। 31 भी क्या है, 31 23 से कितना है 8 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हाँ ये बिल्कुल एपी में है, यहाँ पे लिख देंगे क्लियरली 15 23 31 फॉर्म एन एपी, क्या है यह एपी के फॉर्म में है, बिकॉज क्या कि एवरी टर्म मोर देन द क्या प्रीसीडिंग टर्म, क्या होगा एवरी टर्म 8 मोर देन क्या होगा द प्रीसीडिंग, सॉरी यहाँ पे होगा प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि जो भी टर्म हो गया वो अपने पिछले वाले टर्म से कितना है 8 अधिक है। तो इस क्वेश्चन में इसको ऐसे ही बनाएंगे, आई होप यू कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ओके, तो अब फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में।